छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। गुल्ली तो वहीं पे बेहोश हो जाता है, वो चुड़ैल तो गुल्ली को घसीट के घर के बाहर लेकर जा रही है। दोस्तों आज सोन ने एक नया फोन खरीदा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सोन गुल्ली बुल्ली को एक बार भी गेम खेलने के लिए फोन नहीं दिया है। सोन तो बड़े मजे से फ्री फायर खेल रहा है। डबल किल। गुल्ली बुल्ली इसी वजह से एक सेकंड हैंड आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने वाले हैं, और जो आदमी गुल्ली बुल्ली से सेकंड हैंड आईफोन 14 प्रो मैक्स बेचने वाला है वो थोड़ी देर में इस कब्रिस्तान के पास पहुंचने वाला है। ये सड़क तो काफी ज्यादा वीरान है। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है, पीछे देखो, पीछे, पीछे तो देखो। अरे ये क्या, वो आदमी तो आईफोन लेके सीधा गुल्ली बुल्ली के पास ही आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये आदमी तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लग रहा है कहीं का मुजरिम हो। गुल्ली बोलता है, ये लो अपने पैसे और मुझे मेरा आईफोन दे दो। वो आदमी 5,000 रुपए और मांगता है। ये आईफोन मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसीलिए मैं 5,000 रुपए और लूंगा। गुल्ली बोलता है, 150 रुपया देगा। ठीक है, ले जाओ ये आईफोन, लेकिन इसके बाद जो होगा इसका जिम्मेवार मैं नहीं रहूंगा। गुल्ली बोलता है, जो होगा हम लोग देख लेंगे, तुम जैसे हमने बहुत देखे हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों आईफोन लेके सीधा घर चले जाते हैं। गुल्ली घर पे आने के साथ ही फ्री फायर कस्टम सोन के साथ खेलने लगता है। डबल किल। लेकिन बुल्ली तो बेचारा मुंह ताक रहा है क्योंकि उसके पास कोई फोन है ही नहीं। सारे लोग गेम खेलने के बाद चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन ये रात गुल्ली बुल्ली के लिए काफी ज्यादा भयानक वाली रात है। तभी इस आईफोन में किसी का फोन आता है। इतनी रात को गुल्ली को कौन फोन कर सकता है, और ये नंबर भी नया है। गुल्ली आईफोन का रिंगटोन सुन के उड़ जाता है। इतनी रात को कौन फोन कर दिया? गुल्ली वो फोन को उठा लेता है। कीड़ा पर तो कोड़ी फुटता हो, कीड़ा पर तो कोड़ी फुटता हो नदिया के बेटा, चूल्हा में चलियो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा आईफोन मुझे दे दो वरना मौत मिलेगी। रॉन्ग नंबर भाई, लगता है कि तुम गलती से मेरे पे फोन लगा दिए हो। गुल्ली फोन को वहीं पर रख देता है और फिर से सोने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से फोन बजने लगता है। गुल्ली इस बार नहीं उठता है क्योंकि वो सोच रहा है कि कोई पागल फोन कर रहा है। फोन काफी देर बजने के बाद बंद हो जाता है। गुल्ली का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अरे ये क्या, ये तो एक भयानक से दिखने वाली चुड़ैल है। वो चुड़ैल तो सीधे गुल्ली बुल्ली के बेडरूम में चली जाती है। और फिर वो गुल्ली के गर्दन को दबोच लेती है। गुल्ली चिल्लाने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से तो आवाज ही नहीं निकल रहा। लगता है कि चुड़ैल के डर के कारण गुल्ली की तो आवाज ही चली गई है। मेरा आईफोन मुझे दे दे, मेरा आईफोन मुझे दे दे कालिया। छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। गुल्ली तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो चुड़ैल तो गुल्ली को घसीट के घर के बाहर लेकर जा रही है। सोन की नींद खुल जाती है। सोन उछल कर जाता है और चुड़ैल को डंडे से मार के वहीं भी बेहोश कर देता है। और जब सोन गुल्ली को उठाने के लिए जाता है तब तक वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। गुल्ली बोलता है, कहां गई वो चुड़ैल, मैं उसे छड़ांगा नहीं, उसने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? हाथ नहीं उठाया भाई, बल्कि मुझे घसीट घसीट के मारा, लातों से मारा, जूतों से मारा, घूंसों से मारा। Oh, no. सोन बोलता है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गुल्ली बोलता है, वो बोल रही थी मेरा फोन मुझे वापस कर दो, मुझे तो लगता है कि इस फोन में कुछ गड़बड़ है। गुल्ली बोलता है, हमें उस आदमी से मिलना चाहिए जिसने इस फोन को बेचा है। सोन बोलता है, मेरे फोन में उस आदमी का नंबर है, रुको मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। सोन के काफी फोन लगाने के बाद भी वो आदमी फोन नहीं उठाता है। गुल्ली बोलता है, हमें वहाँ चल कर देखना चाहिए। बुल्ली गाड़ी निकालता है, सारे लोग उस गाड़ी में बैठ के कब्रिस्तान के पास चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग उस पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। सोन बोलता है, चलो गुल्ली बुल्ली इस घर के अंदर जाके राज का पता लगाते हैं। सारे लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं।
तो दोस्तों क्या होगा, क्या गुल्ली बुल्ली पता लगा पाएंगे कि वो चुड़ैल कौन है, या फिर ये तीनों उस चुड़ैल के हाथों मारे जाएंगे, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।